केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी गुजरात की मुलाकात था। अमदावाद में स्मृति ईरानी फार्मा सेक्टर की नेशनल कॉन्फ्रेंस में हाजरी आपी थी। फार्मा और हेल्थकेर सेक्टर डेवलपमेंट और महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करी थी। फार्मा और हेल्थकेर सेक्टर में उत्कृष्ट कामगिरी करना व्यक्तिओं ने एवॉर्ड आप। अभी लास्ट मंथ जो अप्रैल था उसमें ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा था। पूरा वर्ल्ड में ओरल कैंसर के लिए कैंपेन चल रहा था और दुख की बात यह है ओरल कैंसर के सबसे ज़्यादा केस इंडिया में है। और मेरा रिसर्च और मेरे पास कैंसर रजिस्ट्री के हिसाब से एवरी वन अवर फाइव पीपल डाइड ड्यू टू ओरल कैंसर। ओरल कैंसर की वजह से डेथ होता है। अब ओरल कैंसर रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, अब कैसे घर पे रोक सकते हो। जैसे डायबिटीज हुआ हो तो आप इंसुलिन लेकर लाइफ जी सकते हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर है वैसे आपको, मैं ऐसा नहीं बोलता भाई ये करो मत, पर यू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। आपको फ्रीक्वेंटली अल्सरेशन हो रहे या आपको फ्रीक्वेंटली ड्राइनेस लगे मुंह में, आपका मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाए, तो यू कॉन्टेक्ट कर लो डेंटिस्ट और बताओ कि मुझे ओरल सब मुकस फाइब्रोसिस पर नहीं है ना, क्योंकि ओरल सब मुकस फाइब्रोसिस इज अ साइलेंट किलर। ये आपको पता नहीं चलता है। जब मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं मैं भगवान को बोलता हूँ मेरा डायग्नोसिस गलत पड़े, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं। ऐसा लेकर बोलता है सर मुंह खुलना बंद हो गया, एक फिंगर खुलता है या खुलता ही नहीं है। कई लोग गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और इनोवेशन और पर्टिकुलरली मेरा स्टार्टअप है इसमें ये मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो स्टार्टअप में बहुत अच्छी तारीफ हेल्प कर रहे हैं ये गवर्नमेंट। फार्मा सेक्टर को, ओवरऑल फार्मा सेक्टर को ये लोग अभी, ये लोग आपको यूनिट डालना है स्टार्टअप से स्टैंडअप। फॉर एग्जांपल ये बताऊंगे, ये मेरा रिटेल सैंपल है, ये जो मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं थोड़ी प्रोडक्ट बनाऊंगा, बट ड्यू टू स्टार्टअप इंडिया ये लोगों ने मुझे मेक इन इंडिया में हेल्प किया है स्टार्टअप को। और दूसरा ये लोग बोलते हैं स्टार्टअप टू स्टैंडअप, जिसमें मुझे 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का मशीनरी प्लॉट ऑफर किया हुआ है, अब मेरे हाथ में मैं कितना यूटिलाइज कर सकता हूँ अप टू यू। मैं किसी, आई एम डॉक्टर, मैं कोई किसी का पक्ष के बात नहीं कर रहा, पर आज तक मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं मिली है।